लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीएम योगी दो जिलों को देंगे सौगात, मुरादाबाद और रामपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। मुरादाबाद में 513.35 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रामपुर में 610 करोड़ की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो जिलों को सौगात देंगे। मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर हैं। मुरादाबाद को 513 करोड़ के आसपास, लगभग 610 करोड़। रामपुर को सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और रामपुर को आज करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में 513 करोड़ की लगभग 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं रामपुर में 610 करोड़ की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में रामपुर से दिवाकर और मुरादाबाद से इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिवाकर, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री आज रामपुर पहुंचने, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई? देखिए, आज उसके साथ साथ ही स्वादिदी गलियारे का भी उद्घाटन करेंगे। साथ में ही आईडीए द्वारा 66 एकड़ जमीन पे जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो पहली बार रामपुर में आईडीए तैयार कर रहा है, हो सकता है कि वो उसका भी उसकी ही घोषणा कर दे। और इसके साथ साथ जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो चौबन है और सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां योगी आदित्यनाथ की पूरी कर दी गई है। पंडाल लग चुका है और कुर्सियां चल गई है, सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है, पूरी हो गई है। योगी आदित्यनाथ अब रामपुर आएंगे और रामपुर को आके बड़ी सौगात देंगे। 3 बजे के बाद हो सकता है कि आचार संहिता भी लग जाए, चुनाव आयोग उससे पहले पहले 1:25 पे योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामपुर पहुंच जाएंगे। रामपुर पहुंचने के बाद वो 250 करोड़ की घोषणा, योजनाओं की घोषणा रामपुर में करेंगे। हालांकि रामपुर पहले जो था वो आजम खान का घर माना जाता था, लेकिन आज की डेट में आजम खान और आजम खान का परिवार दिल्ली में है। आजम खान का घर खत्म हो चुका है। अब रामपुर में 4 विधायक जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। चुनाव आने वाला है, रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा भी सांसद घनश्याम सिंह लोधी की हो चुकी है, तो वो भी उनके साथ मंच पे रहेंगे। सारे विधायक उनके साथ मंच पे रहेंगे। रामपुर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ वो रामपुर को आज एक बड़ी सौगात देकर जाएंगे। ठीक है, दिवाकर आएंगे आपके पास। इमरान भी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। इमरान, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद को भी आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:40 पर लखनऊ से मुरादाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से मुरादाबाद एयरपोर्ट से पुलिस लाइन हेलीपैड पर 10:55 पर उतरेंगे और 11 बजे भीमराव अम्बेडकर एकेडमी में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर 2774 पृथ्वी दरोगाओं को की सलामी लेंगे। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद देंगे। भीमराव अम्बेडकर एकेडमी के बाद 1 घंटा वहां पर रुकने के बाद मुख्यमंत्री बुद्धिविहार जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां मुरादाबाद को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। यहां पर राजकीय विश्वविद्यालय समेत 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो कि 513.35 करोड़ रुपए की लागत से ये योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। देखने वाली बात ये होगी मुरादाबाद के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, पिछले 2 महीने में ये दूसरा दौरा है और मुरादाबाद को जो योगी जी ने दिया है हवाई अड्डा दिया है और सबसे बड़ी जो बहुत पुरानी मांग मुरादाबाद की थी सरकारी विश्वविद्यालय की, वो मुरादाबाद को आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। ठीक है इमरान और दिवाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री आज दो जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री लगभग मुरादाबाद को 513 करोड़ की, वहीं रामपुर को 610 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। एक बड़ी सौगात है मुरादाबाद के लिए भी और रामपुर के लिए भी।
तो मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ हर जिले का दौरा कर रही हैं और चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात हर एक जिले को दी जा रही है। और इसी बीच